हाय सेजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही है, गणपति बप्पा जी की तरफ से आपके लिए समय क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। ये जो रीडिंग है ये जर्नल रीडिंग है गाइस। देखिए, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे कनेक्ट हो। तो जितने भी मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। बट डेफिनेटली ये फॉर श्योर है कि यहाँ से आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। और अगर आप किसी और रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप गणपति बप्पा के बारे में नहीं भी जानते हैं, तो इस रीडिंग को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनकी तरफ से आपके लिए जो मैसेज आएंगे वो इस रीडिंग से देखे जाएंगे, ठीक है। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी आप मेरी रीडिंग्स देखें, प्लीज़ अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर ही देखिए। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, और आप जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, ठीक है, अभी की सिचुएशन के लिए को लेकर के, या फिर जो आपको सुनने की ज़रूरत है, ओके। और आपको विश्वास रखना है, यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जाएंगे वो जर्नल हैं, तो आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि वो मैसेज आपको कहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम गंगणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। जय महाकाली, जय गुरु जी। गणपति पप्पा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे सैजिटेरियस धनु राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या रहा है सैजिटेरियस के लिए, क्या मैसेज आप देना चाहते हो सैजिटेरियस को इस समय। गणपति बप्पा प्लीज़ गाइड कीजिए, जितने भी आपके बच्चे देख रहे हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, ओके। अ टाइम फॉर हीलिंग, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, एंड बिलीव इन इम्पॉसिबल। ओके माई डियर, यहाँ पर बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का कार्ड है। यहाँ पर गणपति बप्पा आपको ये बता रहे हैं कि ये खासकर आपके किसी रिश्ते को लेकर के आ रहा है, कि ये कोई आपका पर्सनल, आई मीन ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये कोई भी रिश्ता बेसिकली हो सकता है। यहाँ पर रिलेशनशिप स्पेसिफिक है, जहाँ पर बेसिकली आप आउट ऑफ बैलेंस हो गए थे, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बिगड़ गई थी, बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई थी, वहाँ पर चीज़ें अब दोबारा से ठीक होगी, क्योंकि ये जो वक्त अब चल रहा है ना, आपके रिश्ते में हीलिंग आ रही है सैजिटेरियस। यहाँ पर गणपति बप्पा आपको ये बता रहे हैं, आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आप जिस भी चीज़ को लेकर के, जिस भी रिश्ते को लेकर के आप थोड़ा घबरा रहे थे, या फिर आप नेगेटिव सोच रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ ख़त्म हो रही है, वो रिश्ता आपका ख़त्म हो रहा है, या चीज़ें बहुत नेगेटिव हो रही हैं, तो आपको यहाँ पर गणपति बप्पा यही बता रहे हैं कि ये जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, चीज़ें ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, वो सब ठीक होंगी। इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल होगा, बिलीव करो, बस आपका विश्वास होना चाहिए उस पर, और वहाँ पर अब हीलिंग आएगी, बैलेंस आएगा, चीज़ें जो हैं स्मूथ चलेंगी, ठीक है। बस थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, ओके। द आंसर यू नीड आर कमिंग, जो भी क्वेश्चंस आप इस समय पूछ रहे हो ना स्पेसिफिकली उसी सिचुएशन को लेकर के, तो आपको यहाँ पर गणपति बप्पा बोल रहे हैं कहीं बाहर आंसर मत ढूंढो। ये नहीं ज़रूरी कि यहाँ पर अगर हीलिंग हो रही है तो वो चीज़ें आपको सामने दिखेंगी। हीलिंग प्रोसेस बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आपको चीज़ें स्मूथ होती दिखें एकदम से, लेकिन हाँ, जो भी कुछ चलेगा, जो भी सिचुएशन चलेगी, वो आपको उस आपके उस रिश्ते में जो है बैलेंस लेकर के आएगा, उसमें स्मूदनेस लेकर के आएगा, उसमें प्यार लेकर के आएगा। तो आपको ये विश्वास करना है, और आपकी इंट्यूशन ही आपको इस मोमेंट पर गाइड करेगी कि हाँ, चीज़ें ठीक हो रही हैं, ठीक है, हाँ, चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। यहाँ पर ये मैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, टॉक्सिक रिश्तों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, जो अच्छे रिश्ते हैं, जहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई थी, जहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स, जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी आप लोगों में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वहाँ पर हीलिंग आएगी, वहाँ पर चीज़ें बैलेंस होंगी, ओके। सेवेंथ हाउस बहुत स्पेसिफिक है, जो भी आप अपने
मैरिड लाइफ को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के जो भी सिचुएशंस आप देख रहे थे, यहाँ पर ना ये मुझे बिजनेस पार्टनरशिप भी नज़र आ रही है। बेसिकली ये मुझे पार्टनरशिप की एनर्जीज मिल रही है। लिब्रा है, सेवन्थ हाउस है, तो कहने का मतलब जो भी पार्टनरशिप या फिर जो भी कनेक्शन आपका ख़राब हो रहा था ना, वहाँ पर चीज़ें हील होंगी अब, ठीक है। बेटरमेंट आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको यहाँ पर क्या करना है, गणपति बप्पा यहाँ पर ये बोल रहे हैं, प्लीज़ आप बैलेंस बना करके रखिए अपने प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ में। जैसे कि मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि प्लीज़ आप स्पिरिचुअल हो, ये नहीं कि आप यहाँ तो बिल्कुल अपनी प्रैक्टिकलिटी की तरफ जा रहे हो, अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक जीवन में आप खोए हुए हो, अपने रिश्तों को देख रहे हो तो रिश्तों को ही देख रहे हो, अपने काम पे लगे हुए हो, करियर पे फोकस्ड हो तो सिर्फ करियर को देख रहे हो। आपको यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करना होगा, डिवाइन के साथ अपने कनेक्शन को भी बिल्ड करना होगा। मतलब आप जितना अपने अंदर हीलिंग लेकर आओगे, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लेकर के आओगे, अपने ऑरा को आप ब्राइट करोगे, उतनी ही चीज़ें जल्दी वर्क करेंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। उतनी ही जल्दी आप किसी साइकिल को आप कंप्लीट करोगे। बेसिकली ये जो भी सिचुएशन आपकी है ना, ये किसी रिश्ते को लेकर के, खास करके सजिटेरियस, ये मतलब चाहे ये बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे ये मैरिज लाइफ है आपकी, या फिर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में थे, ये जो भी सिचुएशन है, ये कुछ कर्म बंधन था आपका। तो वो कहते हैं ना कि वो पार्ट, वो जो हिस्सा है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो डोंट वरी, चीज़ें यहाँ पर जो है हील होंगी। थोड़ा हम डाइस से भी इस बार देखने वाले हैं। ओके, लेट्स सी मोर। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए माय डियर, अपनी इंट्यूशन को आपको इस समय फॉलो करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर गणपति बप्पा आपके लिए बता रहे हैं सजिटेरियस कि इस समय, जैसे कि मैंने बोला कि आपको ज़रूरी नहीं है चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। चीज़ें आपको ऊपर से नहीं दिखने वाली है, ऊपरी सतह से आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी। अगर आप डीपर लेवल से चीज़ों को देखने की कोशिश करोगे, गहराई से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, ये सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जीज़ है, यहाँ पे जिन किसी की लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, थर्ड पार्टी मतलब ये स्पेसिफिक कोई पर्सन, कोई मेल या फीमेल हो सकते हैं, या फिर ये किसी के इन-लॉज हो सकते हैं, या फिर ये किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब किसी का इंटरफेरेंस रहा या फिर किसी सिचुएशन का इंटरफेरेंस रहा, जिस वजह से कि आप लोगों के रिश्ते में खटास आई, आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई, वो चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ होंगी। ओके, बट यहाँ पर आपको भी अपने अंदर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, आपको भी अपने अंदर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि सेजिटेरियस यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, मे बी देखिए ये मैसेज आपको कड़वा लग सकता है, पर मेरा काम है यहाँ पर आपके सामने रियलिटी रखना, ठीक है। मतलब आपके सामने सच्चाई रखना, आपको सच बताना। तो गणपति बप्पा यहाँ पर आपको ये भी बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर भी झांकना पड़ेगा, आपको अपने अंदर भी देखना पड़ेगा, कमियाँ आपके अंदर भी हैं। तो हम सभी में होती हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है कि आपके अंदर है, किसी और में नहीं है, सब में होती हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब उसको लेकर के भी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने अंदर भी आपको यहाँ पर बदलाव लाने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। मे बी किसी एक पॉइंट पर ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं आपके अंदर, ठीक है, ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर कुछ ना कुछ है। ओके, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, आप इस समय पर आप सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए। क्योंकि इस समय ना ये कोई स्पेसिफिक, ये जो भी सिचुएशन है, ठीक है, ये कोई पार्टनरशिप है या ये जो भी कोई सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में जिसमें आपने हाथ खड़े कर दिए हैं, ठीक है, आप उसमें कर क्या रहे हो ना, आपने बस ये समझ लिया है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो ये ईश्वर के भरोसे, ये डिवाइन के भरोसे है, ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं इसमें एफर्ट्स भी नहीं डालूंगा, राइट। लेकिन डिवाइन आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं तुम्हें भी खुद काम करना होगा, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। डेफिनेटली इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। यहाँ पर जो आपने अपने हाथ बांध लिए ना सिचुएशन को लेकर के कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, तो डिवाइन कह रहे हैं अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अपने अंदर इनर वर्क आप करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनर वर्क कैसे, मतलब अपने अंदर की कमियों को देखना, ठीक है, उसको ढूंढना, उसको मानना और उस पर काम करना। क्योंकि जब आप उसे मानोगे ही नहीं कि मेरे अंदर कोई कमी है,
कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, राइट, लेकिन आप उसको ठीक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है। ये वक्त जो आपको दिया जा रहा है इस समय में, आपको एक हर्मिट मोड की एनर्जीज में टैप इन करना होगा। डिवाइन एनर्जीज आपके लिए बिल्कुल काम कर रही हैं, सॉल्यूशन आपके लिए आ रहा है। ये जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो, ये जहाँ पर भी प्रॉब्लम आई हुई है ना, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाला जाएगा। इसकी चाबी यहाँ पर आ रही है, लेकिन आपको एक हर्मेटिक मोड में जाना पड़ेगा। आपको मेडिटेशन करने पर, हीलिंग करने पर फोकस करने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहती हूँ। आपके पास बहुत नॉलेज है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए सैजिटेरियस। आप बहुत वाइज हो, बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज्ञान है आपके पास, ठीक है। आपको करना क्या है, अगर आपको इस सिचुएशन में नहीं समझ में आ रहा कि आप इस सिचुएशन में क्या करें, क्या नहीं करें, किस तरीके से आप अपने ऊपर काम करें, बस आप अपने आप को हटा दीजिए और अपनी जगह आप किसी और को समझिए कि कोई अदर पर्सन आपके पास इसी सिचुएशन को लेकर के आया है और सेम वही सिचुएशन है जो आपके साथ चल रही है। उस वक्त पर आप उसे क्या गाइड करोगे, क्योंकि वो नॉलेज आपके पास है। मे बी इस समय अगर आप अपने आप को देख रहे हैं तो उस तरीके से वो नॉलेज अनलॉक नहीं होगी, राइट, लेकिन अगर आप किसी को सामने देखेंगे, ठीक है, कि आप, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप दूसरों को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, राइट, तो वो जो गाइडेंस है ना, वो आपको खुद पर भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, खुद पर लागू करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि सामने आपके पास कोई पर्सन आया है और उसका यही सिचुएशन है, आप उसको क्या गाइडेंस दोगे, आप उसको क्या अप्लाई करने के लिए बोलोगे, उसी चीज़ को आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है, उसी चीज़ को अपने ऊपर लागू करना है, ठीक है। थैंक यू गणपति बापा। और क्या आप मैसेज उनको देना चाहते हैं सजिटेरियस धनु राशि वालों को इस समय, इम्पोर्टेंट मैसेज? थैंक यू। प्रॉस्पेरिटी, वाओ, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग अ प्रॉस्पेरिटी जर्नल, कॉल ऑन गणेशा टू वर्क विद यू ऑन दिस, इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस टू मेक इट एज रियल एज पॉसिबल। वाओ, स्मेल, यहाँ पर ना आपके सेंसेस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, गणपति बप्पा आपको ये बता रहे हैं, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो इंट्यूशन पावर्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इस समय स्ट्रांग हो रहे हैं। बिलोंगिंग्स, कनेक्ट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड यू, डिस्ट्रॉय ईगो। माई गॉड, मैंने आपको ये एग्जाम्पल भी बोला था और ये यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर वो आ चुका है। माई गॉड, यहाँ पर कुछ लोगों के ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है, रिश्ते में। यहाँ पर देख लीजिए फैमिली, फ्रेंड्स, पीपल अराउंड यू आए हैं कि आपके रिश्ते यहाँ पर स्पेसिफिक मैटर कर रहे हैं, वो आपका कहीं किसी कोई भी एरिया हो सकता है। एनर्जेटिक मूवमेंट, एक्शन टाइम भी एक्टिव। थोड़ा से और कार्ड्स पहले लेती हूँ आपके मैं, चलिए ये कार्ड बाद में लेंगे। ओह माय गॉड, नाइन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, जो मैं आपको आंसर दे चुकी हूँ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली जो मैसेज आपके लिए आ रहे हो। माय गॉड, सेजिटेरियस, बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। ये कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप पूरी तरीके से ना होप को खो चुके हो, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, देखो आप पता क्या है, इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, आप चीज़ों को बदलना चाहते हो, चीज़ों में बदलाव लाना चाहते हो, आप डिसीज़न लेना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आपने भी ना अपने आसपास सजिटेरियस यहाँ पर, मतलब जैसे कहते हैं ना, दीवारें खड़ी कर रखी हैं। चीज़ें अगर ठीक होना भी चाहते, मैं कह रही हूँ ना कि कुछ तो है यहाँ पर, आप मानो या नहीं मानो। देखो, हमेशा मैं यही बोलूँगी कि जब भी आप रीडिंग्स देखते हैं ना, तो अपनी ईगो को प्लीज साइड करके देखिए, ठीक है, तभी आप उस रीडिंग का रस आप ले पाओगे, रस इन द सेंस आप उसका यूज़ ले पाओगे, आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव ला पाओगे। अदरवाइज़ अगर आप इसी सिचुएशन में रहे तो आपका देखना ही बेकार है, आपका टाइम वेस्ट होगा ये, राइट।
तो प्लीज़ इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए, क्योंकि डिवाइन शक्ति अगर आपको ये मैसेज दे रही है और आप इस रीडिंग पर आए हो, आपने टैप इन किया है तो यूं ही तो नहीं किया है, ठीक है। ये एनर्जीज आपको ट्रिगर कर सकती है, ठीक है, आप में से कुछ लोगों को ये बात ट्रिगर कर सकती है, बट यहाँ पर ट्रिगर नहीं होना है आपको, यहाँ पर आपको उस पर काम करना है। आप अपने आसपास लोगों से ना थोड़ा डिटैच हो गए हो, आप कोई भी हो सकता है, फैमिली फ्रेंड्स या जो भी आपके आसपास के लोग हैं, कलीग्स हो सकते हैं, यहाँ पर ईगो क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना डिवाइन लॉर्ड गणेशा या जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, वो आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो दीवारें आपने ईगो की खड़ी कर रखी है ना, इनको तोड़ दो, उनके साथ कनेक्ट हो, ठीक है। आपको उनके साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ना इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बड़ा। आप यहाँ पर देखोगे कि मैं आपके सिर्फ ये जो भी आपके लोगों के साथ रिश्ते हैं ना, ये आपकी इमेज को तो ख़राब करेंगे ही करेंगे, आपके अदर एस्पेक्ट्स में भी ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे। तो ऑल ओवर अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी चाहते हो, प्रॉस्पैरिटी क्या है ना, आपकी हर एरिया जो है आपका ब्लेस्ड है, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पैरिटी चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो, तो प्लीज़ इस पॉइंट पर आपको काम करने की ज़रूरत है, इसको लेकर के आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसको लेकर के आपको बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं कह रही हूँ ना कि जो भी सिचुएशन है, लोगों के साथ रिश्ते कैसे ठीक होंगे कैसे नहीं होंगे वो डिवाइन करेंगे, या फिर ये कोई स्पेसिफिक इंसान हो सकता है, क्या स्पेसिफिक सिचुएशन हो सकती है, पर आपको अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ, जो हमारे आसपास रिश्ते होते हैं ना, वो सब कार्मिक होते हैं, अच्छे बुरे दोनों तरह के, ठीक है। हम अपने कार्मिक से ही डील कर रहे होते हैं, दूसरा वो हमारे साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसा हमारे साथ डील करते हैं, वो हमारे खुद की रिफ्लेक्शन होती है। तो हम जैसे सोचते हैं ना कि इस इंसान को कुछ बदलना चाहिए, इस इंसान में चेंज आने चाहिए, उस इंसान को चेंज कर दो, नहीं, हमें अपने अंदर बदलाव करने चाहिए। जब हम अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं तो धीरे धीरे वो सामने वाला जो पर्सन होते हैं या जो दूसरे लोग होते हैं उनमें भी वो चेंजेस आने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनके प्रति आपकी परसेप्शन चेंज हो रही है, आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, तो वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, वो भी सपोर्टिव हो जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो इस बात की गहराई को आपको यहाँ पर समझने के लिए गणपति बप्पा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस समय आपके जीवन में ना इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस है, चाहे आप करियर के लिहाज से यहाँ पर देख रहे हो, सोशल लाइफ के लिहाज से देख रहे हो, रिश्तों के लिहाज से देख रहे हो, कुछ भी, लेकिन यहाँ पर रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के साथ डील कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, कितने आपके रिश्ते अच्छे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उस जगह पर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, जिसे कहते हैं ना, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आपको क्या बोल रहा है, होगा वही ना अंत में, जो आप अपने ऊपर जितना आप काम करोगे न्याय तो वही होगा, जैसा आप अपने ऊपर काम करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये वक्त है अपने ऊपर काम करने का, ये वक्त अपने अंदर से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का, अपने अंदर की जो कमियां हैं ना उनको देखने का और उनको रिलीज़ करने का। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा था ना, द आंसर यू नीड आर कमिंग, ठीक है, वो आंसर आपको मिल रहा है, वो आपके अंदर ही है, तो उसे जानो, उसे समझो और उस पर आप काम करें। आपको गणपति बप्पा यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जैसे ही आप इस सिचुएशन में काम करते हो, आपकी ओवरऑल लाइफ में यहाँ पर मैं अबंडेंस और प्रोस्पैरिटी आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ, और इस सिचुएशन में गणपति बप्पा, आपके डिवाइन ईष्ट जो भी हैं, शक्ति हैं, वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तभी आप इस समय इस रीडिंग को आप देख भी रहे हो। वाओ, चाइल्ड लाइक एक्सप्रेशन, माय गॉड, ये पता है क्या है, इट्स टाइम टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। ये क्या एनर्जीज बताती है, ये एनर्जीज यही बताती है, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे अपने अंदर ना किसी तरह का क्या कहते हैं उसको, किसी बात को रखते नहीं हैं, घर नहीं कर देते, अगर किसी ने उनको डांट दिया या कुछ कह दिया तो वो उस एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, बहुत हल्के रहते हैं। अगर वो भी इतना भार अपने अंदर दबा करके चले नहीं तो वो भी, उनकी ग्रोथ भी वहाँ पर रुक जाएगी, समझ रहे हो। तो आपको दोबारा से बच्चे बनने के लिए, उन बच्चों की तरह रिएक्ट करने के लिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन है ना आपकी, इसको आप बच्चों की तरह आपको डील करना है, समझ रहे हो, उस तरीके से आपको डील करना है। दोबारा से अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हुए, दोबारा से अपने अंदर के बच्चे से कनेक्ट हुई है, जहाँ पर ये द्वेष नहीं था, ये ईगो क्लैशेस नहीं थे, ठीक है, जहाँ पर लाइन नहीं खींची गई थी कि इस लाइन के पार मुझे नहीं जाना है। तो यस माय डियर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है अभी के लिए गणपति बप्पा की तरफ से। ओके, आई होप आपसे ये रीडिंग कनेक्ट हुई हो,
ओके, मैं आपके लिए ना एक एक मैसेज और लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने रीडिंग को ना शॉर्ट किया है, क्योंकि बहुत लेंथी रीडिंग हो गई थी और सभी मुझसे बोल रहे थे कि थोड़ी सी शॉर्ट रीडिंग बनाएं। लेट्स सी, थैंक यू बप्पा, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ बताएं। ओके, ओ माय गॉड, ठीक है। ओ माय डियर, यहाँ पर ओ बॉटम ऑफ द डेक है टावर। देखो ये कुछ तो घटित हुआ है ना आपके जीवन में, कुछ तो टावर एनर्जीज आई है, कहीं तो आप अपने आप को स्टॉक फील कर रहे हो। गणपति बप्पा ना यहाँ आपको उससे निकलने में आपकी मदद कर रहे हैं, उस सिचुएशन से आपकी निकलने में मदद कर रहे हैं। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कोई गलत स्टेप उठाया था या कुछ गलती करी है रिसेंटली, या रिसेंट पास्ट में आपने कोई गलती करी है, कोई फैसला लेकर के कोई गलती करी है, तो आप उसमें अपने आप को स्टक फील कर रहे हो। तो वहाँ पर गणपति बप्पा आपकी मदद कर रहे हैं, दैट इज़ वाई आप इस मैसेज को यहाँ पर सुन रहे हो। वो आपके इस ऑब्स्टेकल को ना रिमूव करना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप इसमें उनकी मदद करें, ठीक है। क्योंकि अकेले ना तो वो इस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल सकते हैं, ना आप खुद निकल सकते हो। तो यहाँ पर डिवाइन का साथ आपका आपके साथ चलेगा, इसलिए आपके लिए यहाँ पर ये भी मैसेज आया था, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। तो प्लीज़ यहाँ पर आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन को तो बिल्ड करना ही है, और अपने आपको लेकर के आपको क्या ज़रूरी कदम उठाने हैं वो भी आपको लेकर के चलना है, ठीक है। ये कुछ है आपके लिए, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कुछ है ऐसा जो आपको करने के लिए गणपति बप्पा बोल रहे हैं, जो आप नहीं करना चाह रहे हो लिटरली, ठीक है, जो आप अपनी तरफ से नहीं करना चाह रहे हो, बट आपको करने की ज़रूरत है। ओके, आप अच्छे से समझ गए होंगे इस मैसेज को, जिनके लिए ये मैसेज है। ओके सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये वीडियो आपसे, रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट कर पाए हैं आप। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, गणपति बप्पा को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।